प्रदेश के चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 1,000 करोड़ खर्च करेंगी। सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शाहबाद सहकारी चीनी मिल के 35वें पिराई सत्र का शुभारंभ किया। राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने शाहबाद मिल के पास 18 एकड़ खाली पड़ी जमीन पर नई योजना तैयार करने का प्रस्ताव रखा। 90 लाख क्विंटल गन्ना पिराई करने का लक्ष्य रखा गया। कांग्रेस पार्टी मारती भी है, पिटती भी है और जलाती भी है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर, जो आज शाहबाद मारकंडा में शाहबाद शुगर मिल में पिराई सत्र का शुभारंभ करने पहुंचे थे। मनीष ग्रोवर ने केएमपी के देरी से शुरू होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार इसमें मोटा पैसा खाना चाहती थी, इसलिए केएमपी 18 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुरू किया गया। अगर यह पहले शुरू हो जाता तो दिल्ली पर दबाव कम रहता, मगर जितना पैसा अब इस केएमपी पर खर्च किया गया है, पहले केएमपी पर लगभग 1200 करोड़ खर्च होता, जबकि अब 3 गुना लगभग 3600 करोड़ रुपए खर्च किया गया। शुगर की मिल की जितनी कोऑपरेटिव शुगर मिले हैं, लगभग पिराई सत्र स्टार्ट हो गया, एक सोनीपत की बची है, वो भी 22 तारीख को हम कर देंगे। मैं किसानों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ, कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अधिकारियों का धन्यवाद। जो पिछली बार मेरी पिराई क्षमता कम थी, उसके बावजूद मैंने 500 लाख क्विंटल गन्ना क्रैश किया है, जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार है। समय से पहले हमने किसानों की पेमेंट भी दे दी और इस बार भी हमारी हरियाणा की शुगर मिलों हमने चला दी है, क्योंकि इस बार थोड़ी लेट चली है ड्यू टू त्योहारों की वजह से, इसलिए हम भी इस बार किसानों का समय से पहले खेत खाली कर देंगे। बेशक लेट चली है और पेमेंट भी हम समय से करेंगे, और इस बार हम हरियाणा की सभी शुगर मिलें, क्योंकि मेरा प्रदेश हरित प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, देश के प्रधानमंत्री का एजेंडा है कि हमारे किसानों की 2022 तक डबल आमदन हो, उसी को एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सभी शुगर मिलें ने कैपेसिटी बढ़ा दी है और इसकी वर्किंग पे हैं, अगले सीजन में सब कैपेसिटी बढ़ी हुई नजर आएगी। ये दुर्भाग्य है सर, ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र के अंदर परिवारवाद की राजनीति, खाली अपने स्वार्थ में लड़ते रहते हैं, प्रदेश की जनता में नहीं लड़ते रहते, इसलिए जनता उनको नकारेगी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में केंद्र में राज करेगी। 18 साल बाद कल मोदी जी ने जी 18 साल बाद दिया, और कल देश के प्रधानमंत्री ने संकेत भी दिया, ये गेम्स जब हुए थे उस समय उसके लिए केएमपी की पूरी हो जानी चाहिए थी, परंतु अपना स्वार्थ, कांग्रेस अपना स्वार्थ तय देखती है कि कब मेरी जेब में कितना पैसा आए तब मैं पूरा करूं, उनके हाथ में लगा नहीं कुछ, इसलिए अनकम्प्लीट रही। आज 18 साल बाद ये केएमपी हमारे हरियाणा को सबात मिली है और इसके साथ कई राज्य इसके साथ जुड़े, खासतौर से दिल्ली, जो पोल्यूशन के नाम से हर बार कुछ ना कुछ वहाँ विवाद रहता है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। सर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है, अभी दुष्यंत और इनेलो है, बीजेपी की ए बी और सी टीम है, और जो जो ये सारा का सारा प्रकरण है, ये अमित शाह कंपनी के कहने को रहे तवर अपने भूपिंदर ने संभाल लेना, अपने घर में क्या देखा है उसने, तो संभाल ले पहले।